कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार, बेवजह लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, बाजारों में दिख रही है भीड़। नवलगढ़ नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से है गायब। पहले केस कम थे तो उस दौरान रोज दिखती थी पालिका की टीम, लेकिन अब पूरी तरह से टीम है गायब। ईओ ने भी बना रखी है बाजार से दूरी। बेवजह लोग घूमते आ रहे हैं नजर। कोरोना के तेजी से प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 15 दिन के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान या कार्यालय वगैरह वो बंद रहेंगे। इसमें जो आवश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान हैं उनको छोड़ते हुए समस्त पर यह लागू रहेगा। सर, आवश्यक सेवा में जिस हिसाब से मार्केट में भीड़ है सर, तो सर लोग अनुशासन मान ही नहीं रहे। देखिए, कोरोना की जो सेकंड स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये 2 दिन का कर्फ्यू अभी लागू किया था। उसकी निरंतरता में आज सोमवार से और 3 तारीख तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसमें जो खाद्य सामग्री वाले हैं, आवश्यक सेवाओं वाले हैं, उनको छोड़ते हुए समस्त बंद रहेंगे। इसके लिए हमने तहसील स्तर पर और थाने स्तर पर उनको भी निर्देशित किया है कि वो सरकार के आदेश की पालना कराएं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है हम सब लोग भी इसको समझें, क्योंकि हम देख रहे हैं नवलगढ़ में पिछले 2 दिवस में लगभग 100 के आसपास कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी नागरिकों की, यहाँ सभी प्रतिष्ठान की, मीडिया कर्मियों की, हम सभी की एक जॉइंट जिम्मेदारी है हम सभी की कि हम जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचें, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, हम सेल्फ डिसिप्लिन में होकर के खुद को घर के अंदर रखें, बाहर अनावश्यक नहीं घूमें। क्योंकि जब तक अभी इस चैन को नहीं तोड़ पाएंगे तब तक हम कोरोना की जो सेकंड स्ट्रेन है उसको रोकने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप सब लोगों के माध्यम से मेरा नवलगढ़ की समस्त जनता से आग्रह है, ये निवेदन है, ये विनती है कि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अंतर्गत मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कराएं। इसमें मार्केट में बाहर नहीं जाएं, जाएं कभी अनावश्यक कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है, जाना पड़ रहा है तो मास्क अवश्य लगाएं। नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो मूवमेंट की पालना करें। अगर कहीं आपको मूवमेंट करना पड़ रहा है तो कृपया करके मास्क लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत आवश्यक है, इसकी पालना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। हाइजीन, सभी लोग अगर किसी ऐसी चीज़ को टच कर रहे हैं जो पब्लिक प्लेस में है तो घरा करके सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो वायरस है हम उससे खुद को रोक सकें। तो ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा है, इसकी पालना जब तक हम समुचित रूप में नहीं करेंगे तब तक हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी के माध्यम से ये नवलगढ़ के वासियों से अपील है, और मुझे कहते हुए खुशी भी हो रही है कि 2 दिन का जो कर्फ्यू था, वीकेंड कर्फ्यू, उसकी नवलगढ़ वासियों ने बड़े अच्छे तरीके से पालना की थी। सेल्फ जन अनुशासन पखवाड़े की भी हम लोग अच्छी पालना करें, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग अभी आए थे, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि वो भी इसकी पूरी सहयोग करेंगे। हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, थाना स्तर से, तहसील स्तर से, डिप्टी साहब, मैं खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से ये लागू हो।